नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयुष्मान कार्ड के न्यू पोर्टल के बारे में। दोस्तों अगर आप भी आयुष्मान कार्ड के न्यू पोर्टल से यहाँ पर ऑपरेटर आईडी के लिए आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किए थे तो दोस्तों आपको उसका यहाँ पर स्टेटस चेक करते हैं तो आपका स्टेटस पेंडिंग होता है। तो दोस्तों इस पेंडिंग स्टेटस को आप यहाँ पर अप्रूव कैसे कीजिएगा, अगर आपका रिजेक्ट हो गया तो उसे आप फिर से यहाँ पर आपको कैसे रोल एड कीजिएगा और फिर से यहाँ पर उसे कैसे अप्रूव कराइएगा, तो आप इस वीडियो में बने रहे। इस वीडियो में हम आपको और स्टेट का किस प्रकार से आपको अप्रूव कराना है ये प्रोसेस आपको दिखाने वाले। तो दोस्तों आप इस वीडियो में बने रहे। दोस्तों मेरा नाम है दिलखुश और आप देख रहे हैं ऑनलाइन दिलखुश यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ऊपर ऑल प्रेस कर दे ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों इसका हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से आप यहाँ पर आयुष्मान कार्ड के न्यू पोर्टल जो न्यू रजिस्ट्रेशन किए थे उसका यहाँ पर आईडी को अप्रूव किस प्रकार से कीजिएगा तो आपको इस वीडियो में बताया। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपका अभी यहाँ पर आयुष्मान कार्ड के न्यू पोर्टल का ऑपरेटर आईडी अभी तक अप्रूव नहीं हुआ तो आपको अप्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले पर एक ऑप्शन शो करेगा बेनिफिशियरी और ऑपरेटर। तो आपको सबसे पहले इस पोर्टल पे आ जाना। इसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहां से क्लिक करके आप डायरेक्ट आप यहाँ पर आयुष्मान करके न्यू पोर्टल पे आ जाइएगा। आने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपको लॉग इन एज में दो ऑप्शन शो करेगा बेनिफिशियरी और ऑपरेटर। आपको क्या करना है, ऑपरेटर वाले पे क्लिक कीजिएगा और आपको नीचे यहाँ पर साइनअप का ऑप्शन शो करेगा, साइनअप वाले पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप पहली टाइम यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए तो आपको अपने यहाँ पर रजिस्टर कर लीजिएगा। अगर आपको रजिस्टर करना नहीं आता तो किस प्रकार से करना है उसका भी वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी बना है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उसका भी वीडियो बना है तो आप देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पर लॉगिन का आइकन शो करेगा, लॉगिन वाले पे क्लिक कीजिएगा। लॉगिन पे क्लिक करने बाद आपको क्या करने पर देखते हैं, रजिस्टर मोबाइल नंबर या यूजर आईडी जो अपना यहाँ पर रजिस्टर करते वक्त मोबाइल नंबर दिए हैं या यूजर आईडी बना है वही आपको यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए यहाँ पर हम डाल देते हैं। डालने बाद आपको वेरीफाई वाले पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम आईडी डाल दिए, वेरीफाई किए थे, यहाँ पर देखिए आईडी वेरीफाई ले चुका है और मेरा यहाँ पर आधार पे यहाँ पर आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर ओटीपी गया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ओटीपी फिल कर दीजिएगा। तो चलिए जो मेरे मोबाइल पर ओटीपी आया है ओटीपी यहाँ पर हम फिल कर देते हैं। तो मेरे मोबाइल पर यहाँ पर ओटीपी आ चुका है तो यहाँ पर आपको सही सही ओटीपी फिल करना है। तो ओटीपी यहाँ पर हम फिल कर दिए, फिर आपको क्या करना है, नीचे ये कैप्चा शो करेगा, आपको क्या करना है ये कैप्चा आपको सही से फिल कीजिएगा। तो यहाँ पर हम कैप्चा फिल कर दिए, फिर आपको लॉगिन वाले पे क्लिक कीजिएगा। लॉगिन पे क्लिक करने बाद आपके सामने कुछ इस तरह का प्रोसेसिंग लेगा। प्रोसेसिंग लेने बाद यहाँ पर देखते मेरा यहाँ पर लॉगिन हो चुका है और आपका यहाँ पर जितना भी रोल बना है यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर देखते मेरा एक रोल अप्रूव है, यहाँ पर देख हम डेट 12/9/2023 को मेरा यहाँ पर हम यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन किए थे, यहाँ पर ऑपरेटर आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन किए थे 12 तारीख को। यहाँ पर देखते मेरा अप्रूव हो चुका है। तो आपको यहाँ पर देखते मेरा दो पेंडिंग है, एक रिजेक्ट भी हो चुका है। यहाँ पर देखते मेरा रिजेक्ट हो गया। हम यहाँ पर दूसरा स्टेट के लिए यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन किए थे ऑपरेटर आईडी बनाने के लिए तो मेरा रिजेक्ट हो गया। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं इस पर क्लिक की जाए तो आपका डिलीट हो जाएगा, तो इसको हम बाद में डिलीट कर देंगे। यहाँ पर देख मेरा अप्रूव हो चुका और मेरा एक पेंडिंग है, हम ये भी दूसरे स्टेट के लिए बनाए थे, यहाँ पर हम CSC के लिए बनाए थे तो मेरा अभी तक ये पेंडिंग है। और यहाँ पर अपना हम अपना स्टेट के लिए बनाए थे बिहार के लिए, मेरा स्टेट बिहार है तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा अप्रूव हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अप्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, अगर आपका अभी तक पेंडिंग है तो आपका पेंडिंग इस कारण होगा, आप अपना स्टेट का यहाँ पर आईडी क्रिएट नहीं किए होंगे तभी आपका यहाँ पर अप्रूव नहीं दिखा है। तो आपको क्या करना है, पर आपको एड रोल वाले पे जाना है और आपको यहाँ पर क्या करना है, पेरेंट्स एंट्री वाले पे क्या करना है क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने बाद आपको क्या करना है, आपका जो भी स्टेट है वो आपको क्या करना है, पहले आपको लिखना है SHE, आपको ये लिख देना है। और आपको यहाँ पर देखते हैं अभी यहाँ पर जो जो भी स्टेट का आ रहा है वो आपको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे SHE बिहार, हम बिहार के लिए किए थे, हम बिहार से खुद हैं तो बिहार से किए तो मेरा अप्रूव हो गया। अगर आप असम से आते हैं तो आपको SHE असम सेलेक्ट कर लेना। अगर आप यहाँ पर छत्तीसगढ़ से आते हैं तो SHE CG सेलेक्ट कर लेना है। और आप यहाँ पर चंडीगढ़ से आते हैं तो आपको यहाँ पर देखते हैं SHE में बहुत सारा स्टेट दिया गया है, ऑल स्टेट दिया गया है, यूपी का भी दिया गया है। और आपको जो भी आपका यहाँ पर स्टेट है आपको यही सेलेक्ट करना है, SHE पंजाब राजस्थान जो भी आपका है, तो आपको शुरू में SHE रहना चाहिए और आपका स्टेट का नाम रहना चाहिए, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करते हैं, आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपको जो भी सेलेक्ट करना है वो कर लीजिएगा यहाँ से। आप यहाँ पर जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको एंट्री टाइप पे क्लिक करके आपको यहाँ पर देख सकते हैं एंट्री टाइप पे क्लिक की जाती है, यहाँ पर बहुत सारा आपको यहाँ पर शो करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको भी यहाँ पर जो हम बोलेंगे वही आपको सेलेक्ट करना है तभी आपका यहाँ पर क्या होगा, अप्रूव होगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन शो करेगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर
आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर देख आपको ये आपको टाइप कर देना है ऑपरेशन, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप ऑपरेशन सेलेक्ट करते हैं तो आपको एंट्री नेम पे आ जाना है। एंट्री नेम पे होने के बाद आपको क्या करना है, इस पर बहुत यहाँ पर आपको एस एस ए ऑपरेशन ये सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर यूजर रोल वाले पे आना है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन शो करेगा। तो आपको क्या करना है, पहले आपको लिखना है एस एच ए, आपको यहाँ पर देख एस एच ए लिखिएगा और आपको एस एच ए अप्रूवल ये लिख दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर देखते आपको अप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना और आपको यहाँ पर बहुत सारा यहाँ भी ऑप्शन शो करेगा, तो आपको क्या करना है 20 सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर एड कीजिएगा। तो दोस्तों ये एक दिन के अंदर ही आपको अप्रूव कर दिया जाता है। दोस्तों अगर आपका पेंडिंग है अभी तक अप्रूव नहीं हो रहा तो आप यहाँ पर गलत रोल यहाँ पर आप एड किए हैं। अगर आपको सही एड करना है, रोल एड करना है तो जिस तरह से हम अभी एड करके आपको बताएं इस तरह से एड करते हैं, तो आपको 1 से 2 दिन के अंदर ही आपका यहाँ पर अप्रूव कर दिया जाता है। तो दोस्तों आप ऐड पे क्लिक कीजिए तो आपका एड हो जाएगा। तो फ्रेंड इस प्रकार से अगर आपका पेंडिंग शो करा है तो आप अप्रूव करा सकते हैं इस प्रकार से। अब अप्रूव हो गया तो आप यहाँ पे इसे लॉग इन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में इसको हम यहाँ पर लॉग इन करके बताएंगे और आपको यहाँ पर कैसे बनाना है ये भी बताएंगे। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।